अजय जी, आप लगातार पिछले 2-2.5 महीने से इस विषय की बहस में शामिल हो रहे हैं। आज की परिस्थिति, इसका अंदेशा पहले से था, लेकिन किसान नेताओं ने तो पल्ला झाड़ लिया कि नहीं, हम जानते नहीं वो लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे थे या जो अराजक हो गए, जो जबरदस्ती घुसाए, तो किसको जिम्मेदार माना जाए? सबसे पहले तो रोहित जी, मैं ये कहना चाहूंगा, इन घटनाओं की अगर किसी भी तरह से, किसी भी रूप में कोई भी जस्टिफिकेशन देता है तो इस देश का गद्दार है। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट। संविधान के दिन जिस तरह से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, राष्ट्रीय सम्मान का अपमान हुआ, उसमें किसी भी पार्टी का किसी भी रूप में कोई जस्टिफिकेशन देश के खिलाफ गद्दारी है। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। आप चुप रहिए जरा। आपने आपने लाल झंडे उठाए हैं, कभी तिरंगा नहीं उठाया आपने। आप चुपचाप बैठिए। कभी तिरंगा उठाया होता तो मैं आपसे बात करता। आप लाल झंडे वाले चुपचाप बैठे रहिए। आप चुप रहिए, आपसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप तिरंगा उठाइए, उस दिन बात करूंगा। मैं लाल झंडे वालों से बात नहीं करता हूं। सुनील जी, आप चुपचाप रहिए। आपको कहीं और से जाके शिक्षा लेनी पड़ेगी। ये देश आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप तिरंगा नहीं उठा सकते। आप अपना काम करिए। दूसरी बात ये रही रोहित जी, जिन नेताओं का आधार नहीं है, जिन नेताओं ने अपनी जमानत जब्त करा दी, आप उनसे क्या उम्मीद करते हो कि इतनी बड़ी भीड़ को वो कब्जा कर लेंगे? इतनी भीड़ को वो मैनेज कर सकते हैं? इनका आधार तो पहले ही नहीं था, ये तो मीडिया ने इनको नेता बना दिया। जिन लोगों की जमानतें जब्त हो गई, जिन्होंने कभी चुनाव नहीं जीत के अपने एरिया में आए, वो क्या मॉब को या जनता को मैनेज करते? तो इनका आधार तो था ही नहीं। लेकिन क्योंकि सरकार ने इनको बुलाया, मीडिया ने इनको स्पेस दिया, तो ये गुब्बारे फूलने लगे और ये अपने आप को नेता बोलने लगे। दिक्कत इस बात की है इस देश में कि जो नेता नहीं होता वो नेता बन जाता है, और जो काम करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। दुख की बात ये रह जाती है। ठीक है। और जो ये सुनीत जी बोल रहे हैं, इनको सिर्फ अपनी डूबती हुई राजनीति के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं सुनीत जी से ही सवाल पूछ रहा हूँ। सुनीत जी, सुनीत जी, समझ लो। सुनीत जी, सुनीत जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है ना? तो अब थोड़ा शांति से बैठिएगा। बाकी लोग बोल रहे हैं उनको सुन लीजिएगा, क्योंकि मेरी आवाज आ रही है तो उनकी भी आ रही होगी आप तक। अब उनको प्लीज सुन लीजिए, क्योंकि अब तो या तो आपको नारा लगा, नहीं आपको नारा लगाना तो चले जाइए फिर। आप भी अभी हैं आईटीओ पे लोग, वहां नारा लगाइए, लेकिन यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं तो सर बात करने के तरीके से बात कीजिए ना प्लीज। सर ने सुना दिया, सर आपकी उम्र इतनी है कि मैं कुछ कहता हूँ अच्छा नहीं लगता आपको। समझिए इस बात को, समझिए इस बात को प्लीज। निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। आपके पास आऊंगा फिर आप बोलिएगा। दूसरों को सुन लीजिए ना, आपको सुना है उन्होंने। आपको और बोलना है तो बता दीजिए, मैं 40 सेकंड और दे देता हूँ, उसके बाद फिर चुप रहिएगा। लेकिन बोलिए, पूछना है तो पूछिए। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो कुछ हरकतें हुई हैं किसान आंदोलन में, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं आप? लेते हैं? आज जो कुछ हुआ है, जो गुंडागर्दी हुई है, जो मारपीट हुई है, जो अराजकता हुई है, जिनको किसान नेता आप डिसओन कर रहे हैं, आप ऑन करते हैं उनको? कि पुलिस को सब मामला मालूम था और पुलिस ने काम नहीं किया। क्या करना था पुलिस को? गोली चलानी थी। पुलिस को टाइम से लोगों को सही तरीके से पहुंचा देना चाहिए था। कहां पहुंचा देना चाहिए था? लाल किले पर कि आओ झंडा फहराते हैं। मेरा ये कहना है, आपने अगर काका जी को सुना, मुझे नहीं मालूम आपने सुना कि नहीं, उन्होंने साफ कहा कि अंतिम क्षण में पुलिस ने रास्ता बदल दिया। सुनिए, वहां पर झगड़ा नहीं हूं। सर यहाँ एक किसान नेता भी बैठे हैं चिल्ला पे, वो भी आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी एक रूट प्रोवाइड किया गया था, मैं उस रूट पे उन्होंने रैली निकाली है। उनके साथ तो कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। क्या कर रही थी? पूछिए ना उनसे। किसी पत्रकार ने ये रिपोर्ट नहीं किया जो सुनील जी बोल रहे हैं। किसी पत्रकार ने ये बोला? भानु जी, सुबह से 6 बजे से पत्रकारों को बैठे, किसी ने भी ये कहानी सुनाई? आपका हो गया चोपड़ा जी, अब आपका हो गया, अब सुन लीजिए भानु जी को, सुन लीजिए भानु जी। आपको जो रूट दिया गया, क्या सुबह बदल दिया गया वो? क्या पुलिस ने आपसे कहा कि नहीं कल ये बताया था आज इससे जाओ? जो रूट दिया था पुलिस ने, उसके ऊपर हमारे आदमी गए और लौट के आ गए, और शांति रहा पूरा, पूरा शांति रहा है चिल्ला बॉर्डर पर, पूरा शांति रहा है। पुलिस के अधिकारियों को पूछ लो, किसी से कोई गड़बड़ न हुई न कुछ हुआ, आराम से बैठे थे, आराम से बैठे हैं। अब हमें नहीं मालूम क्या अराजक तत्व आ गए, क्या कौन आ गया कौन नहीं आया, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, पूरा शांत रहे। और हम ये भी जानते हैं कि हम जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री से बात करेंगे, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा।
हम अच्छी तरह जानते हैं क्यों कि हमारी उम्र है 70 साल। हम कभी अराजक तत्व न बने हैं न बनेंगे और न हम कभी गड़बड़ करते हैं, अनुशासित रहते हैं, अनुशासित रहेंगे। भानु जी मेरा सवाल ये है कि आज जो कुछ हुआ फिर उसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसान नेता जो संघर्ष समिति के अगुवा हैं वो ये कह के पल्ला झाड़ सकते हैं कि हमें नहीं पता ये कौन लोग आ गए जिन्होंने लिख के दिया था कि हम सब सही करा देंगे? जिम्मेवार कौन है हमसे आप बहुत ज्यादा जानते हैं। अब जिम्मेवार कौन होगा कौन नहीं होगा ये आप जानते हैं, लेकिन चीता बॉर्डर पे हम थे उसकी जिम्मेवारी पूरी हमारी है। भानु जी आप किसान नेता हैं, आप पॉलिटिकल नेता की तरह क्यों कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ? आप जानते हैं तो बोलिए ना सर। आप मैं पॉलिटिकल नेता की तरह नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मैं तो अभी कोई बॉर्डर पे या किसी मीटिंग में मुझे तो बुलाया ही नहीं गया था। मैं तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कह रहा था कि किसान आयोग का गठन कर दो और इन देश के किसान मजदूरों को थोड़ा सा खुशहाल कर दो और इनके कर्जे हैं वो माफ कर दो, हमारी तो ये मांग थी। अब उनकी अब क्या था कैसे नहीं था अब क्यों हो गया, हमें तो ये सुना था कि पुलिस ने रूट बना दिए हैं, उन्हीं रूटों पर लोग जाएंगे, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अब गड़बड़ हो, हमें तो खुद दुख हो रहा है कि ये किसानों की बदनामी हो गई और देश के गणतंत्र पे और जो बदनामी हुई है हमें तो खुद दुख हो रहा है, हम तो खुद परेशान है, लेकिन क्या करें हम भैया। लेकिन अब आपको अगर जिम्मेवारी किनकी है, हम किन का नाम ले दें, कौन कौन जाते थे मीटिंग में, कौन कौन नहीं जाते थे, कौन कौन वहां नेतृत्व कर रहा था, हमें तो किसी की नहीं पता है।